सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फर्स्ट 5 विकेट ऑल मिला है, फर्स्ट मैन ऑफ द मैच मिला है आईपीएल में। और मैं सबसे अलग थैंक यू हमारी टीम के मतलब कोच मॉर्ने सर को, जस्टिन सर को और केएल भाई को करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतना बिलीफ दिखाया मेरे अंदर कि मैच भी मुझे वो बैक कर रहे थे। हाँ, 160 टोटल था, बट हमें इतना पता था कि मे बी विकेट और थोड़ा स्लो इसमें जा रहा है, तो हमारे जो प्लान्स थे जो हमने डिस्कस किए थे तो हम लोग उसी में स्टिक थे। अगर उसमें हमको मतलब रन्स भी आते हैं तो राहुल भैया ने वही बोला था कि उस पर स्टिक करो, हम उस पर सक्सेस होंगे। और हम लोग अभी तक जैसे डिफेंड करते आए हैं टोटल्स, तो हम लोग हमारा एक ही बेसिक रहता है कि हमको हमारे प्लान पे स्टिक रहना है। और जो हमारे वेरिएशंस है, स्लोअर वंस जो मैंने यूज़ किए और बाउंसर्स यूज़ किए, तो वो उसमें मेरे को मतलब सफलता मिलती रही, तो फिर भैया बोले कि उसमें कंटिन्यू रखो। मयंक के जाने के बाद फिर राहुल भैया ने इतना ही बोला था कि मे बी दिस इज़ योर डे, तेरा दिन है ये, तू हमको ये मैच जिता सकता है, तो बिलीव रख और ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ सोच मत, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है अभी वो कंट्रोल करना। तो जो हमारे हाथ में कंट्रोल करना है कि हमको यहाँ से मैच जीतना, मैच बनाना है, तो उस पर फोकस करेंगे, ना कि एक्सटर्नल चीज़ पे कि उसको क्या हुआ है क्या नहीं। नहीं, नथिंग टू वरी, वो ऑल गुड है अभी, नथिंग टू वरी। मेरा रणजी के इसमें और पूरा अभी तक सीज़न में मैं बस एक ही चीज़ पे फोकस रखा हूँ कि मैं अपना माइंड क्लियर रखूँ और ना कि ज़्यादा चीज़ें पे सोचूँ। जैसे जो बेसिक फंडा रहता है कि हम जो कंट्रोल है उसको ही फोकस करेंगे, ना कि अनकंट्रोल पे फोकस करें, तो मैं स्टार्टिंग से सीज़न की वही सोचते आ रहा हूँ। नहीं, एज अ मतलब एज अ बॉलर मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। आई मीन मेरे को फर्स्ट डे से बोला गया है कि यू कैन बोल फ्रॉम 1st to 20 कहीं भी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं वही करता था। तो मेरे को उन्होंने बोला कि जहाँ हमें आपकी ज़रूरत लगी आपको डालना पड़ेगा, तो आप उसके लिए रेडी रहो। तो मेरा प्रिपरेशन उसी के लिए है कि मैं 1st से लेकर 20 तक कहीं भी रेडी रहो। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे, क्योंकि मयंक एक एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर है और जो वो स्पीड डालता है वो एज इन एक मैं कहूँगा कि गॉड गिफ्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मुझे मेरे लिमिटेशंस पता है, मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता है, तो मैं अपने स्ट्रेंथ पे ही बैक करता हूँ। नहीं सर, मतलब एज इन प्रेशर तो मैं मानता नहीं हूँ। अगर मेरे से एक्सपेक्टेशन से, टीम को एक्सपेक्टेशन से, तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर कोई मेरे पे एक्सपेक्ट